खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की पाठ परंपरा के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमद द्विजय ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब, मुनिराज श्री पुष्पेंद्र विजय महाराज साहब, मुनिराज श्री रूपेंद्र विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा की निशरा में दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की प्रतिमा जिला कलेक्टर श्री आलोक सिंह ने पुष्प माला अर्पित कर दीप प्रज्वलन कर श्री गुरु कृपा आरोग्य कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। आचार्य श्री ने दादा गुरुदेव से क्षेत्र के सभी मरीजों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना की व उपस्थित जन समुदाय को आशीर्वाद प्रदान भी किया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र चौधरी, डॉक्टर एमएल जैन, बीएमओ डॉक्टर शीला मुजालदा, अनुविभागीय अधिकारी श्री कनेश, साथ ही तहसील के कई प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर आचार्य श्री ने कहा कि शीघ्र श्री मोहनखेड़ा चिकित्सालय में डिजिटल एक्सरे की सुविधा प्रारंभ हो जाएगी, साथ ही ऑक्सीजन आदि की भी सुविधा प्रारंभ करने के लिए प्रयासरत है। साथ ही कोविड सेंटर के शुभारंभ अवसर में सम्मिलित हुए सभी महा अनुभावों ने गुरुदेव के साथ कोविड 19 सेंटर का अवलोकन भी किया। पीड़ित मानवता की सेवा करने का हमारे यहाँ पर एक संकल्प होता है। बुद्ध की पूर्णिमा पर जब भी कोई आपदा का ऐसा विषय आता है उससे को हम कभी चुकते नहीं है और कोविड के वर्तमान दौर के अंदर ये हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ कि प्रशासन ने माननीय मंत्री महोदय जी के निर्देश पर यहाँ पर कोविड सेंटर बनाने के लिए जगह का चयन किया। हमारे ट्रस्ट की ओर से भी सारी व्यवस्थाएं भोजन पानी आदि की ठहरने की आवास व्यवस्था आदि दी जा रही है और आज इसका उद्घाटन अभी हुआ, ओपनिंग हमारे ज़्यादा शुरू होंगे जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी। राजेंद्र सूरी जी गुरुदेव की कृपा है, जहाँ उनका तप रहा है और उससे मोहनखेड़ा की ख्याति भी बढ़ी है। वर्तमान में हमारे गुरुदेव का भी बहुत इसमें सहयोग रहा है और समय समय पर मोहनखेड़ा हमेशा आ गया है। जब जब भी विपदा का समय आया है, समाज को क्षेत्र को आवश्यकता पड़ी है तो हमेशा मोहनखेड़ा आगे आया है और मैं गुरुदेव का बहुत आभारी हूँ। उनको हमने छोटा सा आग्रह किया था, अभी आप पधारे ही थे गुजरात से, जैसे ही आप पधारे गुरुदेव गुजरात से आते ही उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया, रात का समय था। फ़ोन लगाते उन्होंने चिंता व्यक्त करी कि क्षेत्र में बहुत फैल रही है। इन्होंने बाकी भी मुझसे चर्चा करी इंजेक्शन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। इन्होंने मुझसे आगे होकर कहा कि जो भी आवश्यकता हो मुझसे ऑक्सीजन के लिए, इंजेक्शन के लिए, जहाँ भी कहीं पैसे की भी कमी पड़े तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और हमने फिर कलेक्टर साहब ने, हमने सब जिलाध्यक्ष जी ने, हमने मिलकर तय करा कि आपका सहयोग, आपके सहयोग से हमें बहुत मदद मिलेगी। तो आज हम सब यहाँ पे हैं और पूरी व्यवस्था हम लोगों ने देखी है, अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। गुरुदेव उसको और अच्छा बना रहे हैं, यहाँ पे एयरकूल व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और लेडीज़ का सेक्शन अलग है, जेंट्स का सेक्शन अलग है, बच्चों का सेक्शन अलग है। स्टाफ नर्सेज करीब 25 की हमने अभी व्यवस्था करी है और व्यवस्था हो रही है, तो मेरे ख्याल से बहुत राहत मिलेगी हमें व्यवस्थाओं में धार जिले में। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिल के कोरोना से लड़ेंगे और अवश्य हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।